योगी सरकार ने 7,500 किसानों को बड़ी राहत देते हुए उनका कर्ज माफ किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले के 2 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि किसान कर्ज माफी के लिए घूसखोरी की खबर आ गई है। मथुरा में एक लेखपाल कर्ज माफी का सर्टिफिकेट देने के लिए किसानों से घूस लेते हुए वीडियो में कैद हो गया। मोबाइल फोन के कैमरे में कैद ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके मंत्री और आला अधिकारी बहुत अच्छी तरह देख लें ताकि उन्हें अपने प्रदेश की एक और कड़वी हकीकत का पता चल सके। हम पे 50 मांग रहे हैं, बेंजो कह रहे हैं 500 रुपये मांग रहे हैं तुम पे। अच्छा, तो हम तो कुछ लेंगे बेंजो के अंत में। हाँ, नंबर भी फिर हमें यही दे जाओ, यही बैठे हम। ये वीडियो मथुरा के मांड तहसील के राजागढ़ी का है। दावा है कि इस वीडियो में किसानों से घिरा और चारपाई पर ग्रे रंग की शर्ट में बैठा ये शख्स लेखपाल तरुण है। किसानों का आरोप है कि योगी सरकार ने छोटे किसानों को राहत देते हुए उनका कर्ज माफ तो कर दिया, लिस्ट जिलों में पहुंच गई, पर तहसील स्तर पर अधिकारी और लेखपाल ने कर्ज माफी के सर्टिफिकेट के लिए पैसे वसूलने शुरू कर दिए। किसानों का दावा है कि लेखपाल तरुण ने कर्ज माफी सर्टिफिकेट के लिए 100 से 500 रुपए तक घूस के रूप में वसूले, जिसने विरोध किया उसे धमकाया भी। इस दौरान उसकी ये पूरी करतूत एक किसान ने अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर ली। हम पे 50 मांग रहे हैं, बेंजो कह रहे हैं 500 रुपये मांग रहे हैं तुम पे। अच्छा, तो हम तो कुछ लेंगे बेंजो के अंत में। हाँ, नंबर फिर हम ही निकलवा लो, फिर आपने कल दे देंगे, फिर कल नहीं आ जाइए, यही दे जाओ, यही बैठे हम। रिश्वत लेना और देना दोनों अपराध है, तब किसानों ने पैसे क्यों दिए? बड़े अधिकारियों से पूरे मामले की शिकायत क्यों नहीं की? ये सवाल हमने कुछ किसानों से पूछा। शिकायत करते सुनवाई कहाँ होती है? शासन तो ठीक है, लेकिन प्रशासन जो है ये बहुत बेकार है। प्रशासन की बहुत नाकामियां हैं हर जगह पे, और राजस्व विभाग, पटवारी, लेखपाल, कानून को, और ये जो है तहसीलदार, ये तो बहुत ही भ्रष्ट इलाका, मतलब डिपार्टमेंट है राजस्व विभाग। सुन लिया ना योगी जी, आप भले बड़े बड़े दावे करें, बड़ी बड़ी योजनाएं चलाएं, पर सिस्टम जब तक नीचे तक ठीक नहीं होगा, जनता का ना तो सरकार पर भरोसा कायम होगा ना ही प्रशासन पर। हालांकि मथुरा के SDM ने इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कार्रवाई करते हुए आरोपी लेखपाल को निलंबित कर दिया है। श्री तरुण लेखपाल को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अगर कोई और संलिप्त इसमें पाया जाएगा, ऐसी कोई रिपोर्ट आएगी, तो मैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करूंगा। ये है ABP News, आपको रखे आगे।